सब्सक्राइब कीजिए बंसल न्यूज इंटरनेशनल और दबाइए बेल आइकन हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान, हमारी पहचान। चित्रकूट में बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व दस्यु सम्राट ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल द्वारा आयोजित की गई चुनावी जनसभा में सरकारी अध्यापक द्वारा मंच से भाषण देना और पीएम मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को ललकारना महंगा पड़ गया। जो सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार उसको दबाने का काम करती है। मैं बताना चाहता हूँ, सरकार के नेतृत्व को, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, कि तेरी धमकियों से, तेरी धमकियों से हम डरने वाले लोग नहीं है। हम कांग्रेस जन है, हमारी विचारधारा कांग्रेस है। कोई लोग सोचते होंगे कि बराती लाल पांडे मंच से क्यों बोल रहे हैं, मेरी विचारधारा कांग्रेस है। मैं रोम रोम में कांग्रेस है, मेरे खून में कांग्रेस है। मुझे कोई दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकता, विचारधारा को दबा नहीं सकता। चाहे जेल में भर दे, चाहे मुकदमे कायम कर दे, लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं है, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। मऊ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक कमलेश कुमार पांडे उर्फ बराती लाल द्वारा चित्रकूट के जिला मुख्यालय करवी के छत्रपति शाहू जी महाराज महिला महाविद्यालय में आयोजित हार्दिक पटेल की चुनावी जनसभा में मंच से कांग्रेस प्रत्याशी दस्यु सम्राट ददुआ के भाई बाल कुमार को दलित पिछड़ों शोषितों के समाज को आगे बढ़ाने वाले परिवार का बताया था। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई बाल कुमार पटेल जी को, जो दलित पिछड़ों शोषितों समाज को आगे बढ़ाने वाले परिवार से आते हैं, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने बांदा चित्रकूट का प्रत्याशी बनाया। सरकारी कर्मचारी द्वारा खुले मंच से कर्मचारी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने के इस मामले का संज्ञान लेते हुए सदर उप जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार उसे निलंबित कर दिया गया। वो प्रधान अध्यापक है प्राइमरी में, और वो जाकर बाल कुमार पटेल जी जो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी सभा में बाकायदे मंच से और वोट की अपील कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को चुनौती भी दे रहे थे। उन्होंने कर्मचारी आचार संहिता का जो है उल्लंघन किया, इसी के लिए प्रथम दृष्टया उनको निलंबित कर दिया गया है। बाकी जांच के बाद अन्य जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी उनके खिलाफ, और जो भी इस तरीके का काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।